पति घर आता है और मायूस होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तब पत्नी अपने पति के पास आती है और पति का मायूस चेहरा देखकर कहती है कि तुम क्यों गए थे। इतने में पति कहता है कि मेरे लिए खाना ले आओ, लेकिन पत्नी फिर बोलती है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि वहाँ पर मत जाया करो, जब जाते हो वहाँ पर तब चार बातें सुनकर आते हो, वहाँ जाए बिना रहा भी नहीं जाता। लेकिन पति फिर कहता है कि खाना लाओगी या मैं खुद ले लूं, लेकिन पत्नी कहाँ सुन रही है, वह तो अपनी ही कहे जा रही है। पत्नी कहती है कि तुम एक बार बैठकर डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने माँ बाप के साथ, मुझसे नहीं देखा जाता ये तुम्हारा उदास चेहरा। इतने में पति झटक कर कुर्सी से उठता है और अपने आप खाना परोसने लगता है। पत्नी बोलती रहती है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी, मुझे साफ साफ बता दो ये सब कब खत्म होगा, परेशान हो गई हूँ मैं, मुझसे नहीं देखा जा रहा, ना वो तुम्हारे माँ बाप सुनते हैं और ना तुम मेरी बात सुनते हो। पति खाना परोस कर ले आता है। जैसे ही खाने वाला था खाना, पत्नी ने कहा, आज तुम फैसला कर लो, तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूँ या तुम्हारे लिए माँ बाप। ये सुनकर पति खाना नहीं खाता है और कहता है कि मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी था जब इस दुनिया में नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, कोमा में चला गया। मेरे घर वालों को उम्मीद है कि मैं घर वापस आऊंगा और तुम्हें उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दूंगा। समाज कहता है कि लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन जब उसी लड़की से शादी करने वाला लड़का अपने घर वालों को छोड़ता है ना, तो वो पराया नहीं होता, वो बुरा हो जाता है। तुम्हारे मम्मी पापा के तो रोज फोन आते हैं, हर समय फोन आते हैं, खूब हंस हंस के बातें भी होती हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों से मिलकर भी ना हंस नहीं पाता हूँ। अरे हंसना तो छोड़ो, मेरे पास उनसे करने के लिए कोई बात भी नहीं होती, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उनसे बात क्या करूं। मेरे घर वालों के लिए तुम गलत, तुम्हारे लिए मेरे घर वाले गलत। अरे कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मुझे क्या गलत लगता है। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने कहावत तो सुनी होगी, सन इज ए सन टिल ही गेट्स ए वाइफ, डॉटर इज ए डॉटर टिल द एंड ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद ही सब कुछ बदल जाता है? शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, मैं सबके लिए बहुत अच्छा था, मेरा कोई नाम लेते हुए थकता नहीं था, और आज कोई मेरा नाम तक नहीं लेना चाहता। सोचो अगर ऐसा हो कि लड़का शादी के बाद अपनी ससुराल चले और शादी से पहले लड़की की सैलरी पूछी जाए, और अगर लड़की के घर वाले लड़के को ताना मारे, उसे कोसे, उसे भला बुरा कहे, लड़के को बुरा लगे और लड़का लड़की से कहे कि अपने घर वालों को छोड़ दो क्योंकि हम कहीं और रहेंगे, और लड़की अपने घर वालों को छोड़कर अलग रहने लगे, क्या तब भी लड़की अपने घर वालों के लिए अच्छी रह पाएगी? एक बार सोच कर देखना। बस उसी सिचुएशन में इतना कहकर पति उठकर चला जाता है और फिर पत्नी मायूस होकर रोने लगती है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं।